हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई एम बैक विद अनदर नो योर प्रोडक्ट वीडियो। और आज का हमारा प्रोडक्ट इज यस टेलकम पाउडर है बाय जॉनसन्स, वन ऑफ माय फेवरेट 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 ब्रांड। ट्रस्ट मी, आई लव जॉनसन्स। जितना प्यार मैं जॉनसन को करती हूँ ना, उतना कोई नहीं करता होगा। ये तो आप लोगों ने वहम बना रखा है कि मुझे जॉनसन से प्यार नहीं है, मुझे बहुत प्यार है जॉनसन से। तो यस, इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं अपना आज का प्रोडक्ट। तो हमारा आज का प्रोडक्ट इज जॉनसन्स बेबी पाउडर, वेरियंट इज ब्लॉसम, जो कि कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस एंड स्किन कम्फर्ट। एंड इसका क्वान्टिटी इज 50 ग्राम और इसका MRP इज 45 रुपीज। एंड पर्सनली स्पीकिंग मैंने इसे नहीं खरीदा है, मैं मांग के लाई हूँ ये किसी से, क्योंकि मैं टेलकम पाउडर यूज नहीं करती, मेरे घर में भी यूज नहीं होता है। दैट्स वाई मुझे ये अरेंज करना पड़ा किसी से, क्योंकि इसके ऊपर मुझे वीडियो करना था। सो यस, इसका क्वांटिटी मैंने बता दिया, प्राइस आपको बता दिया, और इसका शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स का। एंड प्रोडक्ट भी इतना सा है जो मुझे मिला है इसके साथ, जिस किसी से भी मैं मांग के लाई हूँ इसको। सो ये क्लेम करते हैं लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, लीव्स बेबी स्किन कंफर्टेबली ड्राई स्मूथ एंड फ्रेग्रेंट लॉन्गर देन एवर। तो आगे इन्होंने लिखा है मम्स ट्रस्ट जॉनसन्स ऑलवेज माइल्ड एंड जेंटल। तो यस, बढ़ते हैं हमारी KYP की तरफ, जो कि है इस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट ब्रेकडाउन। तो इंग्रेडिएंट में हमारे पास इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट है, विच इज टैल्क, फ्रेग्रेंस, सोडियम सिट्रेट एंड सिट्रिक एसिड। सोडियम सिट्रेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बफरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है और फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड नेचुरल चीज है जो कि नेचर में भी एग्जिस्ट होती है, बट इसे सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किया जा सकता है, तो या नो प्रॉब्लम। सो अब आते हैं हमारे मेन जो इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट में, दैट इज टैल्क एंड फ्रेग्रेंस। तो टैल्क के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, एंड यस, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो मेरा यहाँ पे ब्रांड से क्वेश्चन है कि ये बेबी प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट में टैल्क एज अ मेजर इंग्रेडिएंट क्या कर रहा है? आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि बेबी प्रोडक्ट में टैल्क क्यों डाला गया है। एंड एक चीज और मुझे समझ नहीं आती है कि बेबी प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस का क्या काम है। आई मीन ऑलरेडी बच्चों का स्किन सेंसिटिव होता है, तो उसमें फ्रेग्रेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों टैल्क और फ्रेग्रेंस डाला गया है। एंड टैल्क के ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टैल्क मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी देखा गया है, इसे एज अ कार्सिनोजन ही देखा गया है, यानी कि टैल्क यूज करने से कैंसर हो जाता है। बट जरूरी नहीं है कैंसर हो, इन केस अगर आप पाउडर अपने बच्चे को लगा रहे हैं और आपका बच्चा इसे इनहेल कर लेता है, तो उसे दूसरे भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे इनहेलेशन करने के बाद एस्थमा जैसी चीज भी हो सकती है, या फिर उसे एलर्जी जैसी चीज हो सकती है, कुछ भी इशू आ सकता है। एक चीज मैं और यहाँ कहूंगी कि टैल्क इज नॉट समथिंग गुड जो कि आप अपने बच्चे पर यूज कर रहे हैं। एंड पर्सनली स्पीकिंग मैं तो टैल्क यूज ही नहीं करती, मेरे घर में भी टैल्क यूज किया ही नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पर लिखा है क्लिनिकली माइंडलेस प्रूवन, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि जितने भी पीडियाट्रिशियन मैंने आज तक देखे हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि बच्चों के ऊपर टैल्क तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। इवन इंसान नॉर्मली भी अगर अपनी लाइफ में टैल्क यूज कर रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। रीजन मैंने आपको बता दिया, लाइक रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड तो कैंसर ही है। तो यस, अब बात कर लेते हैं 100 साल के भरोसे की, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं कि हमारा 100 साल का भरोसा है जॉनसन्स, हम 100 साल से यूज करते आ रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जॉनसन्स इंडिया में देश के आज़ाद होने के बाद आया था, देश को आज़ादी मिले 73 ईयर्स हुए हैं, आपको 100 साल का भरोसा किसने दिला दिया? जॉनसन्स के ऊपर ऑलरेडी टैल्कम पाउडर से रिलेटेड 19,000 लॉ सूट्स फाइल हो चुके हैं। एंड 100 साल की बात तो हम बाद में करेंगे, हम पिछले 40 साल की भी बात बाद में करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं जो 2 साल पहले जॉनसन्स ने
4.7 बिलियन एज अ फाइन दिया था बिकॉज उनके टैल्कम पाउडर में कार्सिनोजेन मिला था एंड उन्होंने क्लेम किया था कि उनके प्रोडक्ट यूज करने के कारण उनको कैंसर हुआ है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, अगर टैल्क करना है तो हर ब्रांड का टैल्क करो बैन, सिर्फ जॉनसन को ही टारगेट कर लेना इज नॉट गुड। और मैं ये भी कहूंगी कि आप अगर यूज कर रहे हैं अपने बच्चे पर टैल्क तो जॉनसन्स क्या, आप किसी भी ब्रांड का टैल्क मत यूज करें, क्योंकि बेशक नजरों में सिर्फ जॉनसन्स आता है बट दैट डजंट मीन कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो भी कार्सिनोजन फ्री टैल्क आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टैल्क चाहे जॉनसन्स का हो या किसी भी बेबी ब्रांड का हो या किसी भी दूसरे ब्रांड का हो, टैल्क आप ना ही यूज करें तो बेटर रहेगा। एंड यस, टैल्क से रिलेटेड नो मोर रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं अपना वैसा टैल्क पर तो बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ और मेरे घर में टैल्क का कोई यूज भी नहीं है। सो या दिस वॉज द वीडियो, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल गिव अस अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ पॉसिबल देन प्लीज ज्वाइन आवर IG फैम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। Bye-bye and thanks for watching.